3.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से लिस्बन का, फारो से लिस्बन का 3.5 घंटे का रास्ता है बाई बस। और जो फास्टेस्ट ट्रेन है मेरे ख्याल से उससे 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और फ्लाइट भी चलती है, फारो से लिस्बन की फ़्लाइट भी चलती है, बट वही है कि आपको फ़्लाइट के लिए उससे पहले टाइम, मतलब फ़्लाइट पकड़ने के लिए थोड़ा पहले पहुंचना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से लिस्बन। अच्छी है, कंफर्टेबल है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. तो अभी पहुंच गया हूं मैं लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल। फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि सिटी काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी सिटी है। बाकी तो अभी खैर एक्सप्लोर करके पता चलेगा कि क्या क्या है यहाँ पे घूमने वाला और क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मेरा फर्स्ट प्लान तो ये है कि यहाँ से मैं अभी जाऊँगा अपने हॉस्टल, वहाँ पे सामान वगैरह रख के और कुछ खा पी के, बहुत भूख लग रही है। एक्चुअली इन लोगों ने मेरा सामान नीचे रखवा दिया था होल्ड में, तो इस वजह से जो मेरे पास कुछ सामान था, कुकीज़ वगैरह, मैं कुछ नहीं खा पाया, 3.5-4 घंटे से ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। एनीवेज अभी यहाँ से मैं हॉस्टल जाता हूँ और उसके बाद शुरू करूँगा अपना लिस्बन का ट्रिप। ये है हॉस्टल, किसी इंडियन बंदे का ही है, कंफर्म नहीं है कि इंडियन का उसका हॉस्टल है या वो सिर्फ रिसेप्शन पे है। हॉस्टल इतना अच्छा नहीं है, जो पहले वाला हॉस्टल था वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था और बहुत अच्छे से मैनेज था। तो चलो ठीक है, मुझे तो मोस्टली बाहर ही रहना है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेन मकसद है लोगों से इंटरेक्ट करना और बातें करना, तो कुछ इस तरह का हॉस्टल है। इधर किचन है, ये कॉमन लिविंग रूम बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, सेटिंग प्लेस है, और ये छोटा सा रिसेप्शन है, और इधर डॉर्मेट्रीज है, मेरी लास्ट वाली है। तो साहब ये है पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, और हॉस्टल में चेक इन वगैरह करने के बाद अभी शाम को थोड़ा सा टहलने के लिए निकला हूँ। एक्चुअली मेरे हॉस्टल में रिसेप्शन पे जो बंदा है वो इंडियन ही है, और उसने काफ़ी कुछ बताया, तो वो बता रहा था कि सिटी सेंटर चले जाओ, सिटी सेंटर काफ़ी सुंदर है, लिस्बन का सिटी सेंटर तो हॉस्टल से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। सोच रहा हूँ पैदल वॉक करते करते ही चला जाता हूँ, क्योंकि वॉक करने से क्या है कि और भी मुझे देखने को मिलेगा, तो मैं सिटी सेंटर की तरफ ही जा रहा हूँ। और बाकी जो मेन घूमने का प्लान है वो मैं कल शुरू करूँगा अपना, और परसों के लिए मैंने एक टूर बुक करवा रखा है। टूर नहीं है एक्चुअली, काउच सर्फिंग पे ही कोई इवेंट है, तो कोई लेडी है यहाँ पे जो कि अपनी कार में 4-5 लोगों को लिस्बन शहर घुमाती है, और अगर आप उसको कुछ डोनेशन देना चाहो तो दे सकते हो, तो वैसे बेसिकली फ्री इवेंट ही है वो भी। तो ये है मेरा मोटा मोटा प्लान लिस्बन घूमने का, और 2 दिन के लिए हूँ मैं लिस्बन में, दो दिन के लिए हूँ मैं लिस्बन में, और उसके बाद मैं जाऊँगा आगे सबसे नॉर्दर्न सिटी पोर्टो। तो फिलहाल चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पुर्तगाल में इस चीज़ का बहुत चलन है कि अगर कोई भी पार्किंग स्पेस फ्री होता है तो यहाँ पे कुछ ये पार्क असिस्टेंट्स हैं, सो कॉल्ड पार्क असिस्टेंट्स, और ये गवर्नमेंट ने नहीं रखे हैं, ये अपने आप से बन गए हैं, तो ये आपको पार्किंग में हेल्प करवाएंगे ज़बरदस्ती,
और उसके बाद आपसे टिप वगैरह कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये मैंने बहुत देखा यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर इस तरह से कुछ। जहाँ इससे पहले वाली सिटी फारो एक बहुत छोटी सी जगह थी, वहीं लिस्बन एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मल्टीकल्चरल सिटी लग रही है, बहुत बड़ी सिटी है। जिस तरह की सिटीज़ हमने मैंने जर्मनी में देखी हैं, म्यूनिक, बर्लिन, मोर और लेस मुझको वैसे ही फील आ रहा है। अभी तक मुझको कुछ ऐसा डिफरेंट, मतलब जिसको मैं बोल सकूँ कि ये लिस्बन का आइकन है, ये लिस्बन का ट्रेडमार्क है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं दिखा। यहाँ पे कुछ जगहें ज़रूर हैं जो कि लिस्बन में मशहूर हैं और देखने लायक हैं, ये आप कह सकते हैं कि लिस्बन का आइकन है। बट एज सच मोर और लेस बड़ी सिटी वाला ही फील है, बड़ी सिटी जैसा ही है। बाकी तो पोर्चुगीज़ कल्चर होगा और दो दिन में पोर्चुगीज़ कल्चर पता लगाना, लिस्बन का पोर्चुगीज़ कल्चर पता लगाना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो बस अभी सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ जो हमारे इंडियन भाई ने जो सजेस्ट की है जगह कैसी है। ओवरऑल खैर अच्छा लग रहा है और सोलो ट्रैवलिंग का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। और मेरा जो मेन पर्पस था बेसिकली सोलो ट्रैवलिंग और बैकपैकिंग ट्रिप का पुर्तगाल में, वो था लोगों से मिलना और एक बहुत ही बजट ट्रैवल करना, चीपेस्ट खाने के ऑप्शन, चीपेस्ट अकोमोडेशन, चीपेस्ट फ्लाइट, ये सब यूज़ करके सर्वाइव करना। और मेरे पास सिर्फ ये एक सिंगल बैग है, इसमें मेरे पास सिर्फ दो जोड़ी कपड़े हैं और वही दो तीन जोड़ी कपड़े मैं पहन रहा हूँ, एक टी शर्ट को मैंने थोड़ा धोया भी था। तो यही सब कर रहा हूँ, पर अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहा हूँ और एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंस है। आप ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए तो आप होटल बुक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया होटल बुक कर सकते हैं और बहुत अच्छी जगह पर जा सकते हैं, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। पर ये भी एक अलग किस्म की चीज़ है बैकपैकिंग करना और अपने आप को एक टास्क देना कि सस्ते सस्ते बजट पर रहना है और कम से कम चीज़ों को यूज़ करके सर्वाइव करना है। और जिस भी हाल में जो भी चीज़ आपको मिले, अभी मतलब जैसे मुझे जो हॉस्टल मिला है वो बहुत अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि हमारे इंडियन भाई ने मैनेज कर रखा है, तो किचन वगैरह इतनी साफ़ नहीं है, बर्तन भी इतने साफ़ नहीं थे। तो पर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यही ट्रैवल का यही ट्रैवल एक्सपीरियंस है और अलग अलग चीज़ों को देखने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें समझने को मिलता है, अच्छा लग रहा है। खैर यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तो मैं सिटी सेंटर से होता हुआ एक बड़ी स्पेशल जगह पे आया हूँ। ये एक बहुत ही नैरो सी एक स्ट्रीट है और यहाँ पे अभी तो खैर अंधेरा है, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, पर यहाँ पे ट्रैम का पाथ बना हुआ है और ये ट्रैम बहुत ही स्पेशल ट्रैम है। ये पीले रंग की ट्रैम यहाँ पे चलती है और स्पेशल किस्म की ट्रैम है और लकीली अभी ये मेरे सामने खड़ी हुई है। इस तरह की कुछ चढ़ाई है यहाँ पे और ये इस चढ़ाई पे जाती है। ये भी क्रिसमस टाइम है तो लाइटिंग वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से सजा रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। को दिखाता हूँ,
मैं लगभग सिटी सेंटर के आसपास ही हूँ, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। मैं टूवर्ड्स बीच जो है, जो बिल्कुल समुद्री किनारा है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और शाम तो हो चुकी है खैर, बट यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह उन्होंने करके जो डेकोरेशन है क्रिसमस की, बहुत ही सुंदर है। और फाइनली चलते चलते मैं बीच के पास, बीच नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे आके लिस्बन ख़त्म हो जाता है और ओशियन है उस तरफ, अटलांटिक ओशियन है। तो मैं इस पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ 4-5 किलोमीटर चलते चलते, और बीच में सिटी सेंटर से भी होता हुआ निकला। तो अभी तो फ़िलहाल रात है, तो ओशियन तो आपको नहीं दिखा सकता, पर यहाँ पे चहल पहल, मतलब ऑब्वियसली बड़ी सिटी है लिस्बन, कैपिटल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग बाहर आए हुए हैं। और क्रिसमस की डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये बस बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद, इतनी बड़ी सिटी में इन लोगों ने लगभग सभी जगह डेकोरेशन कर रखी है। ये कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है मेरे ख्याल से, पीछे ये कुछ बना हुआ है तामझाम। अकेले घूमने से ये होता है, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ था और किसी का बच्चे का बर्थडे था, तो वो आके मुझको केक और वाइन दे गए। पोर्तुगीज वाइन है, उस पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। अच्छा लगा। काफ़ी थक चुका हूँ, आज सुबह जल्दी उठा था, फिर बस पकड़ी लिस्बन आने के लिए, और अभी 5-7 किलोमीटर घूम चुका हूँ और अभी वापस जाऊँगा। बीच में काफ़ी जगह पे चढ़ाई भी थी, तो सोच रहा हूँ बस अब इस पॉइंट पे आज का सफ़र ख़त्म करके, और अब देखता हूँ किसी क्लब वगैरह में अगर जा सका तो लेट नाइट देखते हैं। खैर मेरे ख्याल से आज के लिए तो मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ, और बाकी कल ढंग से और अच्छे से घूमूंगा लिस्बन।